राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया है। हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सीनियर नेताओं की बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। अभी भी स्थिति वही है कि आखिर राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कल भी अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा की बैठक हुई, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। वसुंधरा राजे भी दिल्ली में है और बीजेपी अध्यक्ष से रात 8 बजे के आसपास उनकी एक मुलाकात हुई। वसुंधरा राजे ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस बीच में बीजेपी के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि राजस्थान में विधायकों की बाड़बंदी की जा रही है। आरोप ये लगाया कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत ने कुछ विधायकों को रिजॉर्ट में रखा है। जानकारों की माने तो वसुंधरा दिल्ली में बैठकर पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। पर्यवेक्षक तक भी तय नहीं है। संभवतः आज पर्यवेक्षकों का ऐलान हो सकता है, लेकिन राजस्थान में लोग भी जिन्होंने वोट दिया है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ जहां राजस्थान में भी चिंतन मंथन चल रहा है, दिल्ली में बैठकें हो रही हैं। बीजेपी सूबे के अगले मुख्यमंत्री के चयन से पहले फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। दरअसल बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना चाहती है। यही वजह है कि समय लिया जा रहा है। बीजेपी कुछ ऐसा फैसला लेना चाहती है जिससे आने वाले समय में पार्टी को फायदा हो और प्रदेश में संगठन की जड़ें ज्यादा मजबूत हो सके। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से 12 बीजेपी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। अब इनमें एक और नाम जुड़ गया है और वो है अलवर के सांसद महंत बालकनाथ का, जिन्होंने भी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। बालकनाथ का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में है। इस्तीफे के बाद बालकनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संसद परिसर में काफी देर तक दोनों ही नेताओं के बीच में मीटिंग चलती रही।